إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عقبيه فلن يزر الله شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي किब्रियाई और बड़ाई तस्बीह और तकदीस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और सजावार है जो वहदहु ला शरीक है जो हम सब का खालिक इस वर्ल्ड का मास्टर है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है खालिके कायनात है रब्बुल अर्शिल अज़ीम है जिसकी बेशुमार नियमतें हमें और आपको नसीब हुई हैं जिनको गिनना शुमार करना इंसान के बस की बात नहीं है इन तउद्दु नियमत अल्लाह ला तुहसूहा मेरे बंदो मेरी नियमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते उसने हमें और आपको इंसान बनाया सबसे अच्छी मखलूक
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सबसे बेहतरीन उम्मत में उसने हमें और आपको पैदा किया। उसने हमें और आपको कायनात का सबसे अच्छा संजीदा मजहब उसने हमें और आपको अता फरमाया, इस्लाम। इन दीन इंदल्लाही इस्लाम, उसने हमें और आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा, जो सैयदुल अंबिया हैं, रहमतुल आलमीन, सैयद वलद आदम। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि लाल आलमीन कयामत की सुबह तक हमें उन्हीं के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा, और जब भी हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। हमारी दुआ है अल्लाह से कि बार इलाह कयामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, बिलखुसूस रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लम व बारिक अलैहि। मुतअद्दिद और मुख्तलिफ उलमा से आपने बड़े अच्छे मौजूआत पर गुफ्तगू समाअत फरमाई, जिसमें मुंबई के उलमा भी शामिल हैं, बाहर से आए हुए, मुंबई के बाहर से आए हुए आलिम भी शामिल हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कल खिताब था इस्लाहे मुआशरे पर, और आज यहाँ की कमेटी की तरफ से जो टॉपिक मिला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, आखिरी हालात, ये बड़ा ही इबरतनाक मौजू है। और ये सच है कि जब कायनात की इतनी बड़ी हस्ती भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रही, और उनको भी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है? मैं अपनी बात की शुरुआत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के उस ख्वाब से करता हूं, जिसको इमाम अहमद ने नकल किया है और अल्लामा शाकिर ने उसको सही करार दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब मेरा निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, मेरी उम्र थी 6 साल, और जब मेरी रुखसती हुई, मेरी विदा हुई, मैं नबी अकरम के घर गई, तो उस वक्त उम्र थी मेरी 9 साल। 6 और 9, इस उम्र पर दुश्मनान इस्लाम ने बड़े कचोके लगाए हैं, बड़े एतराजात किए हैं। ये मौका नहीं है उन एतराजात का जवाब देने का। आप जानते हैं कि मुंबई बड़ा सिस्टम की जगह है, और यहाँ इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ज़्यादा यहाँ के नियम और यहाँ के कानूनों की पाबंदी करता है। ये कोई बिहार और बंगाल नहीं कि 1 घंटा ज़्यादा खींच लो, 2 घंटा ज़्यादा खींच लो, सुबह फजर तक जलसे चल जाएं। ये मुंबई है, और हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती हैं कि मेरी पहली रात थी और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोई हुई थी कि मैंने रात में ख्वाब देखा। मैंने रात में ख्वाब देखा
رائی تو سلاثت اقمار سقط نہ فی حجرت. میں نے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے تین چاند دیکھے اور وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے میرے حجرے میں گر گئے. میں جس حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ وہ تینوں چاند میرے حجرے میں گرے, پہلے ایک, اس کے بعد دوسرا, اس کے بعد تیسرا. میں اٹھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر جاننا چاہیے, لیکن پہلی رات تھی, پہلی آمد تھی, پہلی ملاقات تھی, اس لیے میں نے اس خواب کو نبی اکرم سے ذکر نہیں کیا. میں نے اپنے گھر جا کر اس خواب کو میں نے اپنے والد محترم ابو بکر صدیق کو بتایا. حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے خاموش رہنے کے لیے کہا اور فرمایا, میری بیٹی, اس خواب کو تم اللہ کے رسول سے مت معلوم کرنا. اس خواب کی تعبیر تمہیں نبی اکرم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ابھی یہ خواب تمہارا پورا نہیں ہوا نہ ہوگا. عائشہ, جب اس خواب کی تعبیر ہوگی اور یہ خواب تمہارا پورا ہوگا تو میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا کہ عائشہ تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اس کے بعد میں نے اپنے اس خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پوچھا, آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا. میں 9 سال کی تھی جب نبی کی بیوی بن کر نبی کے گھر گئی, اور 18 سال کی تھی تب ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہمارے شوہر اس دنیا سے چل بسے. 9 سے لے کر 18 سال میں نبی کے ساتھ رہی. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 کی تھی اور 18 سال کی ہوئی. 9 کی تھی تو گھر گئی, 18 کی تھی تو میرے شوہر مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اس 9 سال کی زندگی میں پھر میں نے اپنے خواب کو نہ تو اپنے ابو سے پوچھا, نہ میں نے اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کی کوشش کی, کیونکہ میرے باپ نے منع کر دیا تھا. اور دھیرے دھیرے میں اس خواب کو بھول بھی گئی, مجھے یاد بھی نہیں رہا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے. سختی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی, مجھ پر ایک احسان کرنا, اس خواب کو کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان مت کرنا. جب یہ خواب تمہارا پورا ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ اب یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اپنی نبوی زندگی مکے میں پوری کیے, اور وہاں پریشان ہو کر آپ وہاں سے نکلے, مدینے میں آئے, اور 10 سال آپ نے اپنی نبوی زندگی مدینے میں پوری کی. آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. خطبہ حجت الوداع میں آپ نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا. آپ نے مسلمانوں کے خون کی, مسلمانوں کے مال کی عزت و احترام کو باقی رکھا, اس پر لیکچر دیا. زمانے جاہلیت کے تمام امور کو آپ نے اپنے پیروں سے روند ڈالا, زمانے جاہلیت کے خون خرابے کو اپنے پیروں سے روند ڈالا, زمانے جاہلیت کے سود اور بیاز کو اپنے پیروں سے روند ڈالا. آپ نے عورتوں کے تعلق سے بڑی اچھی نصیحتیں کی. آپ نے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی, نصیحت بھی کی. مختلف باتیں, مختلف چیزیں آپ نے بتائیں, اور بتانے کے بعد آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی. وہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا,
मुख्तलिफ सीरत निगारों ने मुख्तलिफ बातें बयान की हैं। किसी ने कहा 1,24,000 का मजमा, किसी ने कहा 1,25,000 का मजमा, किसी सीरत निगार ने लिखा 1,44,000 का मजमा, लेकिन ये कन्फर्म है कि 1,00,000 से ज्यादा का मजमा था। 1,00,000 से ज्यादा के मजमे में आपने जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने लास्ट में जो बात कही थी, वो बात आपने अपनी कसवा नामी ऊंटनी पर बैठकर अराफात के मैदान में निमरा के पास, जहां आपकी ऊंटनी एक वादी के किनारे लाई गई और उस पर कजाबा कसा गया, उस कजाबे को कसकर आप उस ऊंटनी के ऊपर बैठे और बैठने के बाद आपने पूरा खुतबा दिया। उस खुतबे में एक लास्ट में जो जुमला आपने अदा किया था, वो खुतबे के अल्फाज ये थे, वो अंतुम तसलून अन्नी फमान तुम कायलून। आए सहाबियों, आए मेरे साथियों, अनकरीब तुमसे अल्लाह ताला मेरे बारे में सवाल करेगा, मेरे पैगाम के बारे में सवाल करेगा, मेरे दीन की हैसियत के ताल्लुक से बात करेगा, तुमसे पूछेगा मैंने मोहम्मद को जो जिम्मेदारी देकर भेजा था उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की, मैंने अल्लाह के पैगाम को तुम तक पूरा पहुंचाया या नहीं पूछा पहुंचाया। फमान तुम कायलून, लोगो तुम क्या जवाब दोगे जब अल्लाह तुमसे मेरे बारे में सवाल करे, तो तुम क्या बताओगे। मेरे भाइयों, मजमा खामोश था, नबी अकरम के खुतबे को बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन बैक जबान सहाबा चीख पड़े, हाय अल्लाह के नबी जब अल्लाह हमसे ये सवाल करेगा, कालू नशहदु अन्नका कद बल्लगता रिसाला, हम जवाब देंगे हाय अल्लाह हम गवाही देते कि तूने जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा था आपने उस पैगाम को पूरी तरीके से पहुंचा दिया, वह अद्दईता आपने अल्लाह ताला का हक अदा कर दिया, वह नसहता खैर ख्वाही और भलाई की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अदा कर दी। नबी अकरम ने अपनी उम्मत और सहाबा किराम से जब ये जवाब सुना तो अल्लाह के रसूल की नजरें आसमान के ऊपर उठ गईं। कभी आप अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ ले जाते और कभी लोगों की तरफ लाते, कभी आसमान की तरफ ले जाते कभी लोगों की तरफ लाते और यूं कहते अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, आय अल्लाह मेरी उम्मत की इस गवाही पर तू भी गवाह बन जा, आय अल्लाह मेरी उम्मत की इस गवाही पर तू भी गवाह बन जा, आय अल्लाह मेरी उम्मत की इस गवाही पर तू भी गवाह बन जा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ये जो खुतबा था हज्जतुल विदा का, हज्जतुल विदा का जो खुतबा था पूरा, इस पूरे खुतबे पर मेरी बड़ी तमन्ना है कि ये 4 दिन जो प्रोग्राम रखा गया है चीता कैंप में, कल से शुरू है, इन 4 दिनों में एक दिन जिसमें मैं ये देखूंगा कि ज्यादा टाइम है, 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम, उसी दिन ये मौजू में रखूंगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खुतबा, खुतबे हज्जतुल विदा और उसके नुक्ते इंशाल्लाह चीता कैंप के अंदर किसी एक दिन में बयान करूंगा इन 4 दिनों में, और उसकी एक पूरी मुकम्मल एक तकरीर होनी चाहिए 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। आजकल तो तकरीर बाद में खत्म होती है, YouTube पे पहले डाल दी जाती है, ये सिस्टम चलने लगा है और अल्लाह ताला इसके जरिए चलो दीन तक दीन का पैगाम पहुंचा रहा था पहुंचे, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं इस बहाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखें बोला क्या है तो वो एक चीज को पकड़ने के लिए पूरी तकरीर सुनते हैं, तो चलो अल्लाह ताला इसी तरीके से जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का मामला है कि देखें बोला क्या है, उसकी एक चीज को पकड़ना चाहते हैं, पूरी 1 घंटे की तकरीर सुनते हैं फिर इस्लाम ले आते हैं, तो अल्लाह ताला इनको इसी बहाने सुनने की तौफीक अता फरमाए और फिर इनको भी इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तो यही दुआ कर सकते हैं और है क्या हमारे पास देने। तो मेरे साथियों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, ये खुतबा था। और इस खुतबे के बाद अलविदाई आसार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर होने लगे। आपको मालूम है यह खुतबा 9 तारीख को दिया गया था अरफात के मैदान में, उसके बाद 10 जिलहिज्जा आती है और 10 जिलहिज्जा को सिर्फ 1
जमरे पर जाकर कंकरी मारी जाती है, दसवें जिलहिज्जा को जमरे उकबा पर सबसे बड़े वाले शैतान जिसको बोलते हैं वहां पर कंकरी मारी जाती है जवाल से पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरे उकबा के पास दूसरे दिन जाकर 9 को तो ये खुतबा दे दिया और 10 तारीख को जमरे उकबा के पास जाकर आपने लोगों को खिताब किया। जरा गौर से सुनना मेरी बात को मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प मौजू है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमरे उकबा के पास जाकर जमरे उकबा पर लोगों को मुखातब करके फरमाया, लोगों मुझसे मनासिक हज सीख लो, लोगों मुझसे हज के अमाल सीख लो, लोगों हज का तरीका और हज के अरकान मुझसे सीख लो, शायद इस मकाम पर, शायद इस जगह पर आइंदा साल हमारी तुमसे मुलाकात न हो सके, शायद इस जगह पर हम आइंदा साल तुमसे मुलाकात न कर सके। लफ्ज़े शायद भी लगा दिया, अगर शायद न लगाते तो सहाबे किराम के ऊपर क्या टूटता। एक इशारा कर दिया आपने, अलविदाई आदाब नुमाया होने लगे। आप यहां पर एक और नुक्ता देखें, अभी अय्याम तशरीक के दिन चल रहे हैं, अय्याम तशरीक के दिन चल रहे हैं भाई, अय्याम तशरीक 10 के बाद 11, 12, 13 तक ये कुर्बानी के जो दिन होते हैं अय्याम तशरीक के दिन, अभी अय्याम तशरीक के दिन चल रहे हैं, 10 तारीख को आपने ये फरमाया, लोगों मुझसे मनासिक हज सीख लो, लोगों मुझसे हज के अमाल सीख लो, लोगों मुझसे हज का तौर तरीका सीख लो, शायद इस जगह पर हम आइंदा साल तुमसे मुलाकात ना कर सकें। फिर अय्याम तशरीक के वक्त में यानी 11, 12, 13 इन तीनों तारीख में से किसी एक तारीख में अय्याम तशरीक के वक्त में हजरत जिब्राइल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सूरत लेकर नाजिल हो गए, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, सूरह नसर नाजिल हो जाती है। जब सूरह नसर नाजिल हुई तो वहीं से आपने अंदाजा लगा लिया, सूरह नसर के नुज़ूल के बाद आपको यकीन हो गया, आपने अंदाजा लगा लिया कि अब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का वक्त करीब है। जब ये फरमा दिया कि जब अल्लाह की फतह आएगी और लोग फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दीन के अंदर दाखिल होंगे, मेरे भाइयों इस सूरत के नुज़ूल के बाद नबी अकरम को यकीन हो गया कि अब ये मेरा आखिरी साल है और अलविदाई आसार नुमाया होने लगे। आपने खुद फरमाया कि लोगों मुझे लगता है कि आइंदा साल शायद मैं इस जगह पर दोबारा तुमसे मुलाकात ना कर सकूं, इसलिए कि हजरत जिब्राइल मुझे हर साल एक मर्तबा कुरान का दौर कराया करते थे, आसमान से आया करते थे और एक बार हर साल मुझे कुरान का दौर कराते थे, लेकिन इस साल हजरत जिब्राइल ने मुझे 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया। लोगों शायद इस जगह पर मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात ना हो सके, क्योंकि मुझे लगता है हजरत जिब्राइल ने मुझे 2 बार कुरान का दौर कराया। लोगों हर साल मैं 10 दिन का एतिकाफ किया करता था, इस मर्तबा मैंने 20 दिन का एतिकाफ किया है। 20 दिन का एतिकाफ, मेरे प्यारे साथियों यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुतबा हज्जतुल विदा खत्म हुआ, हज खत्म हुआ और फिर ज्यादा दिन नहीं, जिलहिज्जा के बाद सफर आता, जिलहिज्जा के बाद मुहर्रम आता है, मुहर्रम का महीना सुकून के साथ गुजर जाता है और उसके बाद जब सफर का महीना शुरू होता है, जिलहिज्जा खत्म, मुहर्रम खत्म, सफर शुरू, रबीउल अव्वल में कायनात को चमकाने वाला सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाता है। लेकिन ये पूरा महीना किस तरीके से गुजरा, अवाइले सफर में, सफर का शुरू दिनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामने ओहद में तशरीफ ले जाते हैं, जहां शहदा मदफून हैं, आप दामने ओहद में तशरीफ ले जाते हैं, ओहद के दामन में तशरीफ ले जाते हैं और सहाबाए किराम जहां दफन है, ओहद के शहदा जहां दफन है वहां खड़े हो जाते हैं
और खड़े होकर उन शहदा के लिए इस तरह दुआ करते हैं जिस तरह जिंदों के लिए दुआ की जाती है। उन शहीदों के लिए इस तरह दुआ किया आपने जैसे जिंदे और मुर्दे दोनों के लिए दुआ की जाती है, उस तरह शहदा के लिए आपने दुआ की, उस तरह शहदा के लिए आपने दुआ फरमाई। और उसके बाद दामने ओहद से निकले, घर आए, गुसल किया, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, मिंबर पर फरोकश हुए और उस मिंबर पर फरमाया, लोगों लोगों सुनो, काबे के रब की कसम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बखुदा मैं अपना हौज हौज कौसर देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम मुझे मेरा हौज दिखाई दे रहा है, मैं अपनी आंखों से अपने हौज को देख रहा हूँ, उस हौज कौसर पर जिसका मैं मेरे कारवा बनूंगा, जहां पर मैं होऊंगा, जहां मेरे हाथों से लोगों को पानी पिलाया जाएगा, मेरी उम्मत मेरे हाथों से पानी पिएगी, मैं अपने हौज को हौज कौसर को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लोगो अल्लाह की कसम मुझे अपने बाद इस बात का डर नहीं है कि तुम शिर्क करोगे, लोगों मुझे अपने बाद इंतकाल के बाद इस बात का डर नहीं है कि तुम शिर्क करोगे, मैं दुनिया की दौलत को जमीन पर फितने की शक्ल में आता हुआ देख रहा हूं, मुझे डर है तो तुम्हारा इस बात का डर है कि दौलत में और दुनिया कमाने में तुम्हें एक दूसरे से आगे निकलने में अपने दीन को बर्बाद ना कर दो, अपने दीन से दूर ना हो जाओ, मैं दुनिया के इस फितने को अपनी आंखों से गिरते हुए देख रहा हूं, कहीं ऐसा ना कि ये दुनियादारी और दुनिया की तलब तुम्हें दीन से गाफिल कर दे, दीन से तुम्हें दूर कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया, ये अवाइले सफर की बात है, ये 11 हिजरी की बात है और सफर महीने के शुरुआत की बात है। इसके बाद मेरे भाइयों, आपने हौज़े कौसर के ताल्लुक से खुतबा दिया और उसके बाद फिर ऐसा भी हुआ, इसी उन सफर को पूरा महीना सफर का इसी हाल में गुजर जाता है, लेकिन 29 सफर जरा तारीख याद रखिएगा, 29 सफर, महीना 29 का भी हो सकता है और 30 का भी हो सकता है, अगर इस महीने को 29 का मान लें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ, 29 का अगर महीना माने तो इसके बाद 12 दिन आप जिंदा रहे, और अगर ये महीना 30 का माने तो 13 दिन आप जिंदा रहे। आप 29 सफर को एक जनाजे में शिरकत करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं, आपने खुद नमाज जनाजा पढ़ाया, फिर उस जनाजे के साथ उस सहाबी की तदफीन में शरीक होने के लिए आप बकी जाते हैं, बकीउल गरकत जिसको हम जन्नतुल बकी कहते हैं, आप बकीउल गरकत तशरीफ ले जाते हैं, आपने वहां अपने हाथों से मैयत को, उस सहाबी को आपने दफन किया, दफन करने के बाद आपने बकी वालों के लिए दुआ फरमाई, आपने कहा सलाम अलैकुम या हलल बकी, आए बकी वालों तुम पर सलामती हो, आपने उनके लिए दुआए मफरत फरमाई और फिर उसी जगह पर आपने ये भी फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, आए बकी वालों मैं भी बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला हूँ, आए बकी वालों मैं भी बहुत जल्दी तुमसे मुलाकात करने वाला हूँ, बहुत जल्दी तुमसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाने वाला हूँ। उसी बकी के मैदान में आपने, उसी बकी कब्रिस्तान में आपने उनके लिए भी दुआ फरमाई और उसमें ये भी फरमाया कि बहुत जल्दी मैं भी तुमसे मिलने वाला हूँ। आप वहां से 29 सफर को जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में सर में दर्द शुरू हुआ और ये दर्द सर इतना तेज था कि आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। नक्शा खींचा साहिब रहीकिल मखदूम सफीउर रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने, आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, आपको दो सहाबियों ने, हजरत अब्बास ने या उनके बेटे फजल ने और दूसरे सहाबी हजरत अली ने आपको उठाया और सहारा देकर आपको आपके घर लाया गया। अब सुनिए, जब आप घर में आए तो हजरत आयशा को नहीं मालूम था, बुखारी के सफात पर यह मंजर देखिए, जब घर तशरीफ लाए तो आपको नहीं मालूम था कि मेरी बीवी आयशा के सर में भी दर्द हो रहा है, और आयशा को ये नहीं मालूम था कि जन्नतुल बकी से ये तशरीफ लाएंगे तो इनके सर में दर्द हो रहा होगा। जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो हजरत आयशा अपना सर पकड़े बैठी हुई थी और कह रही थी, हाय मेरा सर का दर्द, हाय मेरा दर्द सर, हाय मेरा सर फटा।
अल्लाह के नबी ने उनके सर की कैफियत देखी तो फरमाया, आयशा मेरे सर का भी यही हाल है, लगता है कि मेरा सर दर्द की वजह से फट न जाए। फिर आप हजरत आयशा के पास बैठ गए, मियां बीवी की बेतकल्लुफी है, आपने उस बेतकल्लुफी के अंदाज में आपने फरमा दिया, आयशा तुझे गम किस बात का है, अगर इस दर्द सर से तेरा इंतकाल हो जाए, तू अगर मर भी गई, तेरी मौत भी हो जाए, तो तुझे फिक्र किस बात की है? हैं? क्या कह रहे हैं? सोचा कि सर में दर्द है, इनका मनोरंजन कर दूं। मियां बीवी का रिश्ता कोई सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक तक महदूद नहीं होता है, मियां बीवी का रिश्ता एक दोस्ताना रिश्ता होता है, मियां और बीवी से बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने उनका मनोरंजन करने के लिए कि शायद मैं इनको हंसाऊं तो ये हंस दें और सर का दर्द बंद हो जाए, तो फरमाया, आयशा अगर तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता, क्या दर्द हजरत आयशा, क्या मर जाती? हाँ। अब उन्होंने भी मनोरंजन में क्या कहा, हाँ मैं तो, आप तो चाहते ही हैं मैं मर जाऊं, हाँ मेरे मरने के बाद कोई खूबसूरत सौकन जो आ जाएगी, आप उसको जो ले आएंगे, आप उसको मेरी जगह पर इस घर में इस हुजरे में आप उसको जगह दे, आप तो चाहते ही हैं। आपने हंसते हुए, आप हंस पड़े और आपने हंसते हुए फरमाया, नहीं आयशा मेरा मकसद ये नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद कोई सौकन मेरे घर में आए। आयशा मैंने तो इसलिए कहा है, अगर आज इस दर्द सर में तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता, मैं तुम्हें अपने हाथ से गुसल देता। तो सिर्फ एक मसला उठा है तलाके सलासा का, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, मैं तो चाहता हूं हर हर मसला उठ के वहां तक जाए, क्योंकि अब तो ये उठेगा ही नहीं, हम लोगों में तो तय होगा ही नहीं। अल्लाह ताला ये काम गैरों से, जब अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो, नहीं 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 मुझे नहीं, मैं नहीं जाता, जिसका खाने काबा वो खुद उसको बचा लेगा, तो अल्लाह ने अबाबील से उसकी हिफाजत फरमाई। इस्लामी उसूल और कवानीन को जब तुम अपने पैरों से रौंदोगे और उस पर अमल नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला जिस दूसरे से भी काम लेना जानता है, और किनसे काम लिया तलाक सलासा को गैर कानूनी कहलवाने का, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। आप देख लीजिए, अल्लाह करे कि हलाले का मसला भी उठे और जाए सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह करे कि शोहर बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं और बीवी शोहर को दे सकती है, ये भी मसला जाए, हम में और तुम में बैठ के तो हल होंगे नहीं, शायद यहीं से हल हो जाएं, अल्लाह इनसे भी काम लेना जानता है। तो हजरत आयशा अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी के सफहात पर मंजर देखो, बुखारी के सफहात पर मंजर देखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा कितनी खुश नसीब होती तुम अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता, मैं तुम्हें अपने हाथों से गुसल देता, मैं तुम्हें कफन पहनाता, यहाँ तो शक्ल तक नहीं देखने दी जाती, गुसल देना तो बहुत दूर की बात, कयामत बर्पा हुई, गुसल दे दिया, तलाक हो गई, निकाह के बाद तो मरने के बाद तो निकाह टूट जाता, दे दिया, अरे यहां तो कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। बुखारी के सफात पर पढ़िए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, आयशा अगर तुम इंतकाल कर जाती मेरी जिंदगी में इस बीमारी में, तो मैं तुम्हें अपने आप से गुसल देता, और गुसल ही नहीं देता, मैं तुम्हें कफन भी पहनाता, मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज भी पढ़ता, मैं तुम्हारी दुआए मफरत भी करता, मैं कब्र में उतरता, मैं तुम्हें अपने हाथों से कब्र में उतारता, तुम्हें मिट्टी भी देता और तुम्हारी मफरत की दुआ भी करता। आयशा तेरे नसीबे का क्या कहना होता, आयशा तेरी किस्मत का क्या कहना होता, आप बताइए। और उसके बाद आप रोजाना पूछते रहे, इंतकाल से 11 दिन पहले, आज मेरी बारी कहाँ है, जहां होती थी वहां पहुंचा दिया गया, दूसरे दिन पूछा 10 दिन पहले, आज मेरी बारी कहाँ है, जहां थी बता दिया गया, 9 दिन पहले, आज मेरी बारी कहाँ है, जिसके यहाँ थी पहुंचा दिया गया, 8 दिन पहले, आज मेरी बारी कहाँ है, जिसके यहाँ थी पहुंचा दिया गया, 7वें दिन, इंतकाल से 7 दिन पहले, आपकी तबीयत में कुछ ज्यादा नासाजगी आई, दर्द का सर बढ़ गया, बुखार की वजह से सर में आपने पट्टी बांध ली, पट्टी बांधे हुए थे सर में, और पूछ रहे थे कि मेरी बारी कहाँ है, बार बार पूछते जा रहे थे मेरी बारी कहाँ है, बताया आज आपकी बारी आयशा के घर में। सारी बीवियां समझ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बारी का इंतजार था,
और वो ये भी समझ गई इशारों से कि अल्लाह के नबी अपनी इसी बीवी के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन बेइंसाफी कैसे करें। इस्तिफामिया नजरें उठती हैं बीवियों की तरफ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आयशा के घर ही में कुछ दिन रह लूं। सारी बीवियां इजाजत दे देती हैं खुशी खुशी, हाँ हाँ ठीक है, आप हजरत आयशा के हुजरे में रहिए। हजरत आयशा बयान करती है इंतकाल से 7 दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक बीवी के हुजरे से मेरे हुजरे में इस तरह लाया गया कि एक तरफ फजल इब्ने अब्बास थे और दूसरी तरफ हजरत अली थे। दोनों ने अपने अपने कांधों पर नबी अकरम को उठा रखा था, आपके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। बुखारी बाबू मर्जिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पूरा मंजर देख लीजिए। इस हाल में नबी अकरम मेरे घर में दाखिल हुए मेरे हुजरे में कि एक तरफ हजरत इब्ने अब्बास थे और दूसरी तरफ हजरत अली थे और ये दोनों सहारा दिए हुए थे। नबी अकरम के सर पे पट्टी बंधी हुई थी और पैर जमीन के ऊपर घिसक रहे थे। इस हाल में आप मेरे हुजरे में दाखिल हुए, मैंने अपने बिस्तर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आराम से लिटा दिया, मैंने उनको अपनी रान के ऊपर उनका सर रख लिया, मैं उनके ऊपर मुआफिजात पढ़ती जाती। नबी अकरम ने मुझे जो दुआएं सिखलाई थी मैं उन दुआओं को पढ़ती जाती और बरकत के तौर पर नबी अकरम के हाथ में दम करके और नबी के हाथ को ही उनके पूरे जिस्म पर फेरती जाती। ये 7 दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर हजरत आयशा सिद्दीका के पास तशरीफ लाते हैं। हाँ अब सुनिए, जब तशरीफ ले आए तो आपने ख्वाहिश जाहिर की, 7 दिन पहले आपने ख्वाहिश जाहिर की कि तो बुखार तो बहुत तेज है, मेरा जिस्म चला जा रहा है, सर में दर्द बहुत तेज है, मुझे मुख्तलिफ कुओं के पानी से नहलाइए, मेरे लिए मुख्तलिफ कुओं का पानी लाया जाए। 7 कुओं का पानी लाया गया। हजरत आयशा फरमाती हैं एक बर्तन था हजरत मैमूना के घर में, उसको हम लोग लगन बोला करते थे, उस बर्तन को लगन कहा जाता है। उस लगन को लाया गया और उस लगन में अल्लाह की टप 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 की तरह था, उस टप को रख दिया गया, उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा दिया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 7 कुओं का पानी डाला गया। उस दिन आप तबीयत से नहाए, 7 कुओं का पानी नबी अकरम के ऊपर डाला गया और आप इतना नहाए इतना नहाए इतना नहाए कि आप खुद ही कहने लगे बस बस करो, आज मैं तबीयत से नहाया हूँ, आज मैंने तबीयत से गुसल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल कर चुके, थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं अपने आप को, बुखार में कुछ कमी आती है। आप मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, आपने वहां जाकर नमाज पढ़ाई, आपने वहां जाकर नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद बैठ कर खुतबा दिया, वहां आपने बैठ कर खुतबा दिया। अब ये तो खुतबे में आपने कुछ नसीहतें की, कुछ वसीयतें की और नसीहतें करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आते हैं, अपने हुजरे में आते हैं। इंतकाल से 6 दिन पहले आप फिर मस्जिद में नहीं जा सके, या गए तो नमाज पढ़ी और आ गए, नमाज पढ़ी और आ गए, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया। मेरे भाइयों, 5 दिन पहले इंतकाल से 5 दिन पहले तबीयत में थोड़ा सा सुकून पाए तो फिर गए मस्जिद में, आपने पहले मिंबर पर बैठ गए, अभी आपने नमाज नहीं पढ़ाई, पहले मिंबर पर बैठ गए और बैठने के बाद आपने ये खुतबा बैठ कर दिया। इंतकाल से 5 दिन पहले जो खुतबा दिया वो बैठ कर आपने दिया, उसके बाद जुहर की नमाज पढ़ाई, आपने जो बैठ कर खुतबा दिया उसमें आपने पहला जो जुमला अदा किया वो जुमला ये था, लानतुल्लाही अलल यहूदी वन नसारा इत्तखजू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर, अल्लाह की फटकार हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। जो काम मस्जिद में होते हैं सजदा करने का, ये यहूद और नसारा अपने अपने नबियों को सजदा करने लगे। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया।
मुस्लिम के हदीस के दूसरे अल्फाज हैं, قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد, बुखारी में लानत अल्लाह और मुस्लिम में قاتل الله اليهود والنصارى, अल्लाह बर्बाद कर दे, अल्लाह तबाह कर दे यहूद और नसारा को जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। जर्जी साहब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप हदीस पढ़ते जाइए, पोस्टमार्टम अपने आप होता जाएगा। क्या जरूरत है नाम लेने की, मरे हुए को क्या मारो, जिसको अल्लाह के रसूल ने इतना जबरदस्त मार दिया हो। लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद और सजदागाह बना ले। अब तावील करेंगे, नहीं वो इबादत वाला सजदा करते थे, हम तो ताजीमी करते, हम तो इज्जत वाला करते हैं, इज्जत वाला सजदा जायज है तो ठीक है। हम इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री को कर लें, क्या कहोगे आप? हम ये कह दें इबादत वाला नहीं है, हमने तो ताजीमी किया है, इज्जत वाला किया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो जवाब में तुम्हारे बुजुर्गों की इज्जत करें। तो इसका मतलब यह है कि आप फतवा तो दो कि ताजीमी सजदा जायज है। अगर ताजीमी सजदा जायज है तो ईसाई भी तो ईसा को ताजीमी सजदा करता है, फिर काफिर क्यों है? यहूदी भी तो मूसा को ताजीमी सजदा करता है, फिर वो नाजायज क्यों है? हिंदू भी तो कृष्ण जी और रामचंद्र जी को और मूर्तियों को ताजीमी सजदा करते हैं, वो भी तो उनकी भक्ति और इबादत नहीं करते हैं, तो फिर वो नाजायज क्यों है? ये करें तो नाजायज, तुम करो तो जायज। अब लैपटॉप वाले बाबा आएंगे, इसकी तावील करेंगे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। पूरी जिंदगी आप इसी से तो रोकते रहे लोगों को, कभी आपने इस अंदाज में लोगों को रोका? हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी अबू दाऊद, किताबुल जनाइस चैप्टर खोलो, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मना किया है आयु अलल कब्री, कब्र के ऊपर बैठने से। यहां तो बैठेंगे नहीं तो इनकम ही नहीं होगी। कब्र पर बैठने से मना किया, और सिर्फ मना नहीं किया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक़ादा अलल कब्री व अन युजस्ससा, और मना किया कि उस कब्र को पुख्ता बनाया जाए, मना किया उस कब्र को पक्का बनाने पुख्ता करने से। यहां तो जितनी पक्की कब्र है उतना बड़ा बाबा है, जितनी मजबूत कब्र है उतना ठोस बाबा है। अल्लाह के नबी ने मना किया है कब्र को पक्का बनाने से। और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दो चीजें हो गई, मना किया है और तीसरी चीज अय्यूब ना अलैही, उस कब्र के ऊपर कोई इमारत बनाने से, उस कब्र के ऊपर कोई मकान कोई तामीर करने से आपने मना किया है, मना। और जिससे जितना ज्यादा मना किया है आज वो काम उतने ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा हो रहे हैं। आइए, दिल चाहता है कि आपको मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज की एक ऐसी हदीस सुना दूं जिससे आपका दिल भी खुश हो जाए और आपके और हमारे उन भाइयों को भी एहसास हो जाए कि आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें क्यों कही हैं और कही हैं तो इसका मकसद क्या है। मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इला जमरतिन, तुम लोगों में से कोई शख्स अगर आग के किसी अंगारे पर बैठ जाए, आग के अंगारों पर बैठ जाए, तुम लोगों में से अगर कोई शख्स आग के अंगारों पर बैठ जाए फतहुरिका सियाबहू, और वो आग के अंगारे उसके कपड़ों को जला कर राख कर दें।
आग के अंगारों पर कोई बैठ जाए तुम लोगों में से, और वो आग के अंगारे उसके पूरे कपड़ों को फतहुर कर सियाबहू, और वो आग उसके पूरे कपड़ों को जला दे, जलाकर राख कर दे, और फतखलुसा इला जिल्दी ही, और वो आग कपड़ों के साथ साथ उसके जिस्म को भी झुलसा दे। भाई हम आग पे बैठ रहे हैं तो आग पर बैठेंगे तो कपड़े जलेंगे, और कपड़ों के बाद फिर हमारा जिस्म भी जलेगा। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, तुम लोगों में से कोई आदमी आग के अंगारों पर बैठ जाए, और मुस्लिम की हदीस है आग के अंगारों पर बैठ जाए और उसके कपड़े जल जाए, उसकी खाल झुलस जाए, मेरी नजर में ये बेहतर है, खैरुमिन, मेरी नजर में बेहतर है किस बात से, कि कोई आदमी किसी कब्र पर बैठे, यानी कब्र पर बैठे उससे बेहतर है कि वो किसी आग पर बैठ जाए और आग उसके कपड़ों को जला दे और उसके खाल को जला दे। मेरी नजर में ये आदमी बेहतर है, लेकिन वो आदमी इससे भी ज्यादा बदतर है, इससे भी ज्यादा बुरा है, इससे भी ज्यादा वो आदमी घटिया है जो किसी कब्र पर बैठ जाए। आए ऊंची कब्रों पर मजावर बनकर बैठने वालों, सीधे साधे मुस्लिम भाई बहनों की जेबों को नोचने वालों, जन्नती दरवाजों के नाम पर सोने की चेने खींचने वालों, तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है कि आग के अंगारों पर बैठ जाना, अपने कपड़ों को जलवा लेना और अपने जिस्म को झुलसवा लेना यह बेहतर है, लेकिन कब्र पर बैठना बेहतर नहीं है। गोइंडी वालों सोच समझ के बुलाना आइंदा साल। मैं तो बोलूं एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह 100 दरवाजे खोलता है, यकीन ना आए तो देख लो। और अल्लाह तकब्बुर से बचाए, 2019 में भी एक दिन खाली नहीं है, पूरा बुक है, भरा पड़ा है। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। आप नहीं सुनेंगे तो दूसरे सुनेंगे, हक बात सुनेंगे। दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह एक बंद करता है 100 और मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। सुनिए इतनी बड़ी बात, पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इशारा किया। वो कैसे 5 दिन पहले अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखजु कुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। चलिए इस लानत के बाद आपने भी खुतबा खत्म नहीं किया, उस खुतबे में आपने क्या फरमाया, लोगों, इशारा देखिए अलविदाया साथ, लोगों लोगों मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को कोड़ा मारा हो, किसी को के ऊपर हाथ उठाया हो, आज मैं हाजिर हूं वो अपना बदला ले ले। यहां सॉरी कहने में नानी बनी, मैं बड़े बाप का बेटा, मेरी इज्जत का कसरत करता है, मैं सॉरी बोलू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों अगर मैंने किसी को कोड़ा मारा हो, किसी पर जुल्म किया हो, तो आज मैं हाजिर हूं वो अपना इंतकाम मुझसे ले ले। अगर किसी से मैंने कोई कर्ज लिया हो तो वो अपना कर्ज पेश करे, मैं उसको अदा कर दूं। एक सहाबी उठे कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, आपसे 3 दिरहम मैंने बतौर कर्ज लिया था, आपसे 3 दिरहम मैंने कर्ज के तौर पर लिया था, आपने मुझसे लिया था, वो मेरा आपके ऊपर बाकी है। आपने फजल इब्ने अब्बास से फरमाया, अरे फजल जाओ इनको ये दे दो, इनका 3 दिरहम इनको वापस कर दो। इन्होंने 3 दिरहम हमसे लिए, हमने इनसे लिए थे, वो 3 दिरहम उनको दे दिए। बैठे हैं आप लोग, भाई हमारे पास खबर आएगी तो हम खुद बंद कर देंगे। आप चलिए सुनिए, मेरे अभी तो चल रहा मामला, अभी तो 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो आइए अब मैं शॉर्ट की तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ लाना चाहता हूँ आपको, उस ख्वाब की तरफ। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैंने किसी से कोई कर्ज लिया हो तो वो ले ले। फिर आपने उस सहाबी को 3 दिरहम दिलवा दिए। उसके बाद में आपने अंसार के लिए वसीयत फरमाई, लोगों अंसार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इनके साथ खैर का मामला करना। जो अंसार से मोहब्बत करेगा वो हमसे मोहब्बत करेगा, जो अंसार से नफरत करेगा वो हमसे नफरत करेगा। फिर आपने
उसी खुतबे में ये भी फरमाया, लोग मुझे 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 दुनिया के खजाने दे दिए गए, लोगों मेरे सामने दुनिया के खजाने पेश कर दिए गए। फिर आपने उसी खुतबे में ये भी फरमाया, लोगों अल्लाह ने अपने एक बंदे को आखिरत की नियामतें पेश की और दुनिया की नियामतें भी उसके सामने पेश की और इख्तियार दिया, आए मेरे बंदे तू दुनिया की नियामतें चाहता है या आखिरत की। अल्लाह के उस बंदे ने आखिरत की नियामतों को पसंद कर लिया। जैसे ही ये सुना हजरत अबू सईद खुदरी फूट फूट के रोने लगे, आवाज तेज हो गई। जैसे नबी ने ये फरमाया अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहो तो आखिरत की नियामतें ले लो और चाहो तो दुनिया की नियामतें, अल्लाह के उस बंदे ने आखिरत की नियामतों को पसंद कर लिया। ये सुनते ही अबू सईद खुदरी रोने लगे। एक सहाबी कहने लगे कि इसका तो दिमाग सट गया, अल्लाह के नबी तो एक बंदे की बात कर रहे हैं और ये पता नहीं क्यों रो रहा है, अरे इसकी बात थोड़ी हो रही है, अल्लाह के नबी तो किसी और की बात कर रहे हैं। बाद में पता चला कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु सही थे, वो समझ गए थे अल्लाह का वो बंदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिन्होंने दुनिया की नियामतों को ठुकरा दिया और आखिरत की नियामतों को उन्होंने पसंद कर लिया। उसी खुतबे में आपने ये भी फरमाया इंतकाल के 5 दिन पहले, लोगों मैंने सबका एहसान अदा कर दिया, किसी का कोई एहसान मेरे ऊपर बाकी नहीं है सिवाय अबू बकर के, मैं अबू बकर का एहसान अदा नहीं कर सका, अबू बकर का एहसान मेरे ऊपर बाकी है। उसी खुतबे में आपने ये भी फरमाया, लोगों अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। उसी खुतबे में आपने फरमाया मेरे इंतकाल के बाद मस्जिद नबी की तरफ खुलने वाले सारे दरवाजों को बंद कर देना, कोई एक दरवाजा मत खुला रहना सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, अबू बकर के दरवाजे को खुला रखना, बाकी सारे दरवाजे बंद कर देना। मेरे प्यारे साथियों, ये 5 दिन पहले खुतबा दिया, इंतकाल से 4 दिन पहले आपने फरमाया लोग लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ तहरीर लिख दूं। उस पर कुछ इख्तलाफ हुआ, कुछ लोगों ने कहा नबी अकरम की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में तहरीर लिखवा लेंगे जब आप सही होंगे, हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। कुछ लोग कहने लगे पता नहीं नबी अकरम की वसीयत क्या है, लिख लेना जरूरी है। इतना इख्तलाफ हुआ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारे सामने से उठ जाओ। फिर उसी इंतकाल से 4 दिन पहले आपने 3 वसीयतें फरमाई, आपने 3 वसीयतें फरमाई। पहली वसीयत ये थी इंतकाल से 4 दिन पहले, लोगों यहूदो नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल देना। दूसरी वसीयत ये थी लोगों वफूद दूसरे शहरों से जब आएंगे इस्लाम लाने की गर्ज से तो उनकी वैसी खिदमत करना और खातिर मदारात करना जैसे मैं अपनी जिंदगी में करता हूँ। और रावी कहता है तीसरी वसीयत भी की थी लेकिन वो मैं भूल गया कि तीसरी वसीयत क्या थी। शायद वो ये थी कि अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से पकड़े रहना, या शायद वो वसीयत ये थी कि जिस लश्कर को लश्कर उसामा को मैंने रवाना किया है, आए लोगों मेरे इंतकाल के बाद उस लश्कर उसामा को रवाना कर देना, उसको रोकना नहीं, उसको जिहादी मुहिम पे जाने देना, उसको रोकना नहीं। शायद वो ये वसीयत थी, मुझे पता नहीं कि वो क्या वसीयत थी, मैं भूल गया, शायद इन 2 वसीयतों में से कोई वसीयत थी। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद 2 दिन फिर आप मस्जिद के अंदर नहीं आ सके, फिर इंतकाल से 2 दिन पहले फिर मस्जिद के अंदर आए, जुहर की नमाज आपने आप अंदर आए, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे आप अंदर आए अबू बकर पीछे आने लगे, अल्लाह के नबी ने इशारा किया तुम अपनी जगह पर रहो, वो इशारा समझ गए अपनी जगह पर रहे, अल्लाह के नबी उनके बाएं तरफ बैठ गए जहां इमाम बैठता है। अब मंजर यूं था कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे थे बैठकर, उसकी इब्तिदा अबू बकर सिद्दीक कर रहे थे और अबू बकर की इब्तिदा तमाम मुसल्लियों तमाम सहाबा कर रहे थे, यानी अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर इब्तिदा कर रहे थे और अबू बकर की इब्तिदा सारे सहाबा कर रहे थे। ये मंजर नजर आया, आपने ये जुहर की नमाज पढ़ाई और उसके बाद फिर आप नमाज नहीं पढ़ा सके। फिर आप इंतकाल से 1 दिन पहले, आपका मामला बिल्कुल अजीब था, आपने इंतकाल से 1 दिन पहले जितने गुलाम थे अल्लाह के नबी के वो सब आपने आजाद कर दिए, 7 दिरहम अल्लाह के नबी के पास थे, उन 7 दिरहमों को आपने सदका कर दिया। फिर आपने फरमाया लोगों मेरी 1 ज़िरा यहूदी के पास गिरवी रखी हुई है, उस ज़िरा को तुम ले लेना, मैंने कोई 30 सा यानी 75 किलो जौ के बस मैंने उस ज़िरा को गिरवी रख दी, मेरे पास खाने पीने को नहीं था, मैंने 75 किलो जौ उस ज़िरा के बस ले लिया था, जब मैं 75 किलो जौ दे दूं तो वो ज़िरा तुम मुझे दे देना, मेरे पास 75 किलो जौ का इंतजाम नहीं हो सका, वो ज़िरा 75 किलो
किलो जौ देकर ले लेना और बैतुल माल में जमा कर देना, जिहाद के काम आएगी। मेरे भाइयों, उस वो रात आखिरी रात थी। जो लोग नबी अकरम को दूर से देखने आ रहे थे, वो बस नबी अकरम से मुलाकात करके जा रहे थे। किसी ने कहा, आयशा घर में चिराग जला दो, मैं तुम्हारे नबी से मुलाकात के लिए आता हूँ, चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया, ये तुम्हारे नबी हैं, इनसे कहो कि घर में क्या है, 7 दिरहम दे, वो भी सबका खैरात कर दिया। मेरे घर में इतना तेल नहीं कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवा सकूं और नबी का चेहरा दिखला सकूं। वो रात कट गई। अब सुनिए जो मंजर देखने के लायक है। फजर की नमाज का वक्त है, आपने आवाज सुनी, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, पर्दा हटाया हुजरे आयशा का, पर्दा हटा कर क्या देखते हैं, हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं जहां अल्लाह के रसूल खड़े होते थे और सारे साहब आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसी पर्दा हटा हुआ देखा, अबू बकर पीछे की तरफ हटने लगे, आपने खास कर इशारा किया, नहीं तुम ही नमाज पढ़ाओ। उस दिन ऐसा लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तिमतिमा उठा, चमक उठा। आपने जब पर्दा खोला तो सहाबाए किराम फितने में ना पड़ जाएं, नमाजें तोड़ने न लग जाएं, ऐसा लगने लगा कि अल्लाह के रसूल की खैरियत और खबर पूछने के लिए कहीं टूट न पड़े कि आप कैसे हैं। लेकिन फौरन आपने इशारा कर दिया कि पहले नमाज अदा करो, और अबू बकर को मुसल्ले इमामत पे खड़ा देखा तो आप खुश हैं और खुशी से चेहरा तिलमिला उठा। आपने पर्दा फौरन छोड़ दिया, सहाबा ने नमाज अदा कर ली और फिर नबी अकरम से मुलाकात करने के लिए चले आए। उस दिन आपने कुछ खुशी महसूस की, लेकिन ये खुशी ये सेहत ज्यादा देर पायदार न रह सकी। फिर आपकी तबीयत बिगड़ गई, फिर सूरज निकल आया, फिर आपके पास कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। चाश्त के वक्त आपने हजरत फातिमा को बुलवाया, हजरत फातिमा आई, हजरत फातिमा ने नबी अकरम को देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा आज के बाद तेरे अब्बू को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद आपने उनसे सरगोशी की और कान में कुछ उनके राज की बात कही, हजरत फातिमा रोने लगी। उसके बाद आपने फिर उनसे सरगोशी की, हजरत फातिमा हंसने लगी। पहली बार सरगोशी की तो फरमाया, फातिमा आज की बात तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी और तेरे बाप आज अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हजरत फातिमा रोने लगी। उसके बाद फरमाया, दूसरी बार जब हंसी तो फरमाया, फातिमा अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया और मेरे अहले बैत में तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुनती हैं तो हंस देती हैं और उसके बाद जाने लगती हैं। हजरत आयशा ने पूछा, आए फातिमा अल्लाह के रसूल ने से तुम्हारे कान में क्या कहा कि पहले तुम रोई फिर क्या कहा कि तुम हंसी? हजरत फातिमा ने फरमाया, अम्मी आयशा ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज की बात है जो मैं नहीं बता सकती। ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज है जो मैं नहीं बता सकती। लेकिन नबी अकरम के इंतकाल के बाद अपनी माँ होने का हक जताकर हजरत फातिमा से पूछा कि तुम्हें अपनी माँ का हक है, बताओ क्या कहा था? तब हजरत फातिमा ने नबी के इंतकाल के बाद बताया था कि पहली बार जब कहा था तो ये कहा था जिस पर मैं रोई, और दूसरी बार जब मैं हंसी तो ये कहा था जिसकी वजह से मैं हंसी। ये बात बताया, पहले नहीं बताया। मेरे भाइयों, आपने हजरत फातिमा की पेशानी को बोसा दिया। हजरत फातिमा ने अपने अब्बू की तकलीफ को देखकर कहा, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। हजरत फातिमा के जाने के बाद हसन और हुसैन को बुलाया। हजरत हसन और हुसैन को बुलाकर भी आपने वसीयत फरमाई। आपने लोगों को फरमाया, ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जिसने हसन और हुसैन को सताया उसने मुझे सताया, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आपने उन दोनों के बारे में खैर का मामला फरमाया। और उसके बाद जब ये दोनों नवासे भी चले गए तो फिर आपने सहाबा को बुलाया, जितने अंदर आ सकते थे आपने उनको हुक्म दिया, वसीयत फरमाई, अकीमुस्सला मा मलकत ईमानुकुम, लोगों नमाज पढ़ते रहना और मातहतों का ख्याल रखना। ये लोग भी चले गए। आपने फरमाया, सब हट जाओ, मेरी बीवियां मेरे पास रहें। आपकी सारी अजवाजे मुतारात आपके पास आ गईं, एक ही कमरे में बैठी हुई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान उखड़ने लगी, आवाजें बंद होने लगी, नजरें आसमान से टिकने लगी। हजरत आयशा ने आपको सहारा दिया।
हजरत आयशा फरमाती हैं, वो दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आपका इंतकाल मेरी गोद में हो रहा था, आपकी आखिरी सांसें मेरी गोद में निकल रही थी। आप मेरे लुब्बे आप मेरे लुब्बे और सीने के दरमियान अपना सर रखे हुए थे। इतने में मेरे भाई आ गए, नबी की आवाज बंद हुई, मेरे भाई अब्दुल रहमान मिसबाह कर रहे थे। आप उस मिसबाह को देखने लगे, मैंने पूछा क्या आप मिसबाह करेंगे, फरमाया इशारा किया, मैंने अपने भाई से मिसबाह ली, आगे का हिस्सा तोड़ा, मैंने उसको नरम किया और मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया, मैंने अपनी जबान से उसको कूच कूच कर नरम किया और फिर मैंने नबी को दे दिया। अल्लाह के रसूल ने मेरी झूठी मिसबाक अपने मुंह में लियो करने लगे, मुझे ये खुशी भी मिली कि मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से आखिरी दिन इंतकाल के मौके पर मिल गया। उसके बाद पानी का भरा हुआ कटोरा प्याला था, कहने लगे इशारे से ये मेरे पास लाओ, मिसबाक गिर गई और आप पानी के बर्तन में अपने हाथ को डालने लगे, पानी के बर्तन में हाथ को डालते अपने चेहरे पे मलते जाते और कहते जा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना सकरा इन्नल मौत लिसकरा, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेचैनियां हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए बड़ी दिक्कतें और मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। आप ये कहते जाते और पानी के बर्तन छींटे अपने जिस्म पर मलते जाते, अचानक होंठ हिलने लगे, अचानक होंठ हिलने लगे, आवाज तो पहले ही से बंद हो चुकी थी। हजरत आयशा ने देखा आंखें खुली की खुली रह गई और अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। मैंने अपना कान लगाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले ये निकल रहे थे, फिल रफीक लाला अल्लाहुम्मा फिर रफीक लाला अल्लाहुम्मा फिर रफीक लाला अल्लाहुम्मा फिर रफीक लाला, आए अल्लाह सालिहीन में शहीदों में नेक लोगों में मुझे भी पहुंचा दे, आए अल्लाह नेक लोगों में मेरा भी ठिकाना बना दे, आए अल्लाह सालिहीन में शहीदों में शहदा में मुझे भी पहुंचा दे। और यह आखिरी जुमला निकला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह शहदा अल्लाह फिर रफीक लाला रफीक आला से जा मिली। मेरे भाइयों कायनात को रोशन करने वाला ये सूरज फिर हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हजरत अनस बयान करते हैं किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। हजरत उमर ने तलवार निकाली ली, अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे मूसा अल्लाह से मिलने गए फिर वापस आए, वैसे ही अल्लाह के रसूल भी मिलने गए हैं और वापस आए। उस वक्त हजरत अबू बकर ने तलवार छीनी और मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया लोगो मा कान मिनकुम याबुद मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जो मोहम्मद को पूछता था, जो मोहम्मद को खुदा समझता था, वो सुन ले फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद इंतकाल कर चुके हैं। अहले हदीसों डरने की जरूरत नहीं है, वफात कर गए, विसाल कर गए, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ बोलो, तुम इस कायनात के अंदर शरीयत मुहम्मदी के सबसे बड़े आलमबरदार हो, तहफ्फुज़ सुन्नत के सबसे बड़े आलमबरदार तुम हो, और काबे के रब की कसम जब तक अहले हदीस का एक एक बच्चा इस हिंदुस्तान की धरती पे जिंदा रहेगा, खत्मे नबुव्वत पर कभी डाका नहीं डालने देगा। हमारे अंदर लाख कमियां हो, हमारे अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन अल्लाह की कसम खत्मे नबुव्वत पर डाका डालना पहले कभी पसंद किया ना मैं आज पसंद करता हूँ। मेरा कोई इमाम नहीं है, मेरा इमाम सिर्फ आमिना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारे 50 इमाम है, लाओ उनकी बात आमिना के लाल से मिलेगी तो मानूंगा, नहीं मिलेगी तो रिजेक्ट कर दूंगा। चाहे जो हो इस कायनात के अंदर तहफ्फुज़ हदीस के, तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत के सबसे बड़े अलमबरदार कोई है तो अहले हदीस हैं, सिर्फ अहले हदीस हैं। सलफियों को चाहे कितना आतंकवादी कहो, चाहे कितना दहशतगर्द कहो, तुम्हारे कहने से दहशतगर्द हम हो नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने से आतंकवादी हो नहीं जाएंगे। यह तुम्हारे सीनों की कदूरत थी जो अल्लाह ताला ने पार्लियामेंट में तुम्हारी जबान से निकलवा दिया, अभी जो छुपी हुई चीजें हैं वो और भी जल्दी निकलेंगी। मेरे भाइयों अगर दहशतगर्दी का चेहरा देखना है तो उनका देखो,
जो अबू बकर अल बगदादी को लेटर लिखते हैं, अगर दहशतगर्दी का चेहरा दिखाना है तो उनका दिखाओ जो अबू बकर अल बगदादी को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। मेरा इशारा कहां है वो आप समझ गए होंगे। मेरे भाइयों, मुझे नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, और ये दो कौड़ियों के लोगों के मैं नाम लेकर लाखों करोड़ों की तकरीर को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे प्यारे साथियों, अहले हदीस और सलफी मनहज नाम है किताबो सुन्नत के तहफ्फुज़ का, अहले हदीस नाम है रब के कुरान और मुस्तफा के फरमान को मानने का, अहले हदीस नाम है हमारी दो हाथ दो आंखें हैं, एक रब के कुरान को देखती है, दूसरे मुस्तफा के फरमान को देखती है। हमारे दो हाथ हैं, एक को रब से रब्ता कुरान पकड़ा जाता है, दूसरे में आमिना के लाल की हदीस होती है। हमारे दो पैर हैं, एक रब के कुरान की तरफ बढ़ता है, दूसरा मोहम्मद के फरमान की तरफ बढ़ता है। हमारे दो कान हैं, एक से रब का कुरान सुनता हूँ, दूसरे से आमिना के लाल का फरमान। हमारे पास तीसरी चीज नहीं है, तीसरी चीज जिसके पास हो वो ले ले। हमारे दो चीजें हैं और इन दोनों चीजों को हम कभी लुटने नहीं देंगे, कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। अच्छा हुआ जल्दी से माफी तलाफी कर ली, वरना ये मामला इतना बढ़ता कि मौलवी जर्जिस को भी ढाई घंटे सिर्फ इसी पर तकलीफ करना पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चल बसे, हजरत अबू बकर ने कहा सल्लल्लाहु जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद इंतकाल कर चुके। और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था, मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा है कभी मरेगा नहीं। और फिर कहा उमर होश में आओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कुरान में आयत नाजिल हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रसूल, ऐ मुहम्मद तुम तो एक रसूल हो, तुमसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, अफा इमाता, अगर ये मर जाएं औ कुतिला या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने पैरों के बल पलट जाओगे, वमन यनकलिबु अला अकिबैहि, और जो अपने पैरों के बल पलट जाएगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी मोहम्मद जो मौत लिखी थी वो आ चुकी है, अल्लाह अपने नबी पर दो मौतें नाजिल नहीं करेगा, जो मौत आना थी वो आ चुकी है। हजरत उमर कहते हैं मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कुरान की आयत आज ही उतरी हो, और अपने मौकिफ को बदल लेते हैं। अहले हदीस इसी को कहते हैं, सही हदीस आ जाने के बाद वो रुजू कर ले और हदीस पर अमल करे। कोई भी अहले हदीस हो सकता है, अपने गलत मसले को छोड़कर किताब और सुन्नत पर अमल वाला बन जाए वो अहले हदीस है। अहले हदीस कोई मौलवी जर्जिस के बाप की जागीर नहीं है कि सिर्फ मौलवी जर्जिस है, जो भी किताब और सुन्नत पर आमिल है और सही हदीस आ जाने के बाद गलत को छोड़ दे वो अहले हदीस है, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आओ ये एंट्री साफ है, आओ रब के कुरान की तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ। मेरे भाइयों, फिर तकरीबन 32 घंटे तक रात दिन अल्लाह के रसूल को दफनाया नहीं गया, पहले गुसल दिया गया, आपको कपड़े पहनाए हुए गुसल दिया गया, फिर इख्तलाफात उठे मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, फिर उनको दफन किया गया। अल्लाह के रसूल को जब दफन कर दिया गया और मिट्टी के अंदर आप कब्र के अंदर हुजरे आयशा में जब दफन कर दिए गए, तो दूसरे दिन अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के पास मिलने के लिए जाते हैं, और उनकी बेटी अपने शौहर की कब्र की तरफ देख रही थी, वही हुजरा था, देख रही थी अपने अब्बू की कब्र को देख रही थी। अबू बकर आए, अपनी बेटी को सीने से लगाया, वो रोने लगी, सीने से चिपक गई और कहने लगी अब्बू अल्लाह के रसूल ने मेरे सीने और लुब्बे के दरमियान आखिरी सांस ली, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक से मिल गया, मेरी बारी के दिन आपका इंतकाल हुआ, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के आंखों के आंसुओं को पोंछते जा रहे थे और कहते जा रहे थे बेटी मैं तो ये सब सुनने नहीं आया, मैंने तुझसे वादा किया था, उस वादे को पूरा करने आया। बेटी आज से 9 साल पहले तुम मेरे पास मेरे दस्तरखान पे खाना खा रही थी और तुमने अपना ख्वाब बताया था और कहा था कि 3 चांद आसमान पे चमक रहे हैं, पहला चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। आयशा मैंने कहा था अल्लाह के रसूल से मत पूछना, जब ये ख्वाब पूरा होगा तो मैं बता दूंगा, ये तेरे ख्वाब का पहला चांद है जो टूट कर तेरे हुजरे। आयशा यही चांद है जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा, अभी 2 चांद और जब अबू बकर का इंतकाल हुआ और अबू बकर को दफनाया जाने लगा तो हजरत आयशा
लोग तसल्ली दे रहे थे, हजरत आयशा कहती है नहीं, ये तो मेरे ख्वाब का दूसरा चांद है जो दफन हुआ। फिर तीसरी कब्र की जगह पर उन्होंने अपना नाम लिख लिया, नहीं यहां मैं दफन होंगी। लोगों जब भी मेरा इंतकाल हो तो मुझे मेरे अब्बू और मेरे शोहर के पास तक। तीसरी कब्र की जगह पर उन्होंने अपना नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन 10 साल खिलाफत करने के बाद जब हजरत उमर इस दुनिया से रुखसत हुए और जब अबू लूलू ने फिरोज ने उनको खंजर मारा और जख्मी हो गए और जब उनको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं तो उन्होंने एक कासिद को भेजा और लेटर लिखकर और हजरत आयशा से उस तीसरी कब्र की जो जगह थी हुजरे में उस जगह पर अपने आप को दफन होने की इजाजत मांगी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रोने लगी और कहने लगी, उमर ये तुमने मुझसे क्या मांग लिया? उमर मेरे नबी मेरे साथ पूरी जिंदगी तो नहीं रह सके, यही ख्वाब लेकर मैं जी रही थी कि कम से कम इंतकाल होगा तो अपने शोहर के बगल में मैं दफन हो जाऊंगी और तुमने मुझसे ये मांग लिया। और इस चौखट पर कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। आए उमर के कासिद जा और उमर से कह देना हजरत आयशा ने अपनी उस जमीन के टुकड़े को तुम्हें वक्फ कर दिया है, जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो तुम्हें दफन कर दिया जाए। जब उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल से पहले फिर फरमाया, लोगों मेरी कब्र को हुजरे आयशा के बाहर रख देना और इंतकाल के बाद हुजरे आयशा के पास मेरी लाश को मेरी बॉडी को रखने के बाद एक बार और पूछ लेना, शायद हजरत आयशा ने मेरी जिंदगी के एहतराम में कह दिया हो और अगर उस वक्त वो इजाजत दे दे तो दफन कर देना और इजाजत न दे तो बकी में मुझे दफन कर देना। लोगों ने फिर पूछा, आयशा हजरत उमर की मैयत बाहर रखी हुई है और उनकी वसीयत के मुताबिक आखिरी बार फिर पूछा जा रहा है, बताइए आपकी राय क्या है? हजरत आयशा ने फरमाया, मैंने इजाजत दे दी, उनको दफन कर दो उसी कब्र में जो मेरे लिए थी। हजरत उमर को दफन कर दिया गया। हजरत आयशा कहने लगी, हाय आयशा, खुद कह रही है आयशा, तीसरे चांद को तो गिरते हुए तूने देखा था, अगर तू वो खुद होती तो तीसरे चांद को देखती कैसे? तूने तो तीसरा चांद गिरते हुए देखा था, इसका मतलब उस कब्र में उमर थे, तीसरा चांद उमर थे, तू खुद वो चांद कैसे बनने की कोशिश कर रही थी? वो चांद तो नहीं हो सकती थी। मेरे भाइयों ये तीसरा चांद था जो हजरत आयशा ने देखा। ये नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी वक्त के हालात थे। हकीकत में तो ये तकरीर 2-3 घंटे में पूरी होती है क्योंकि उसको कितना लंबा मैं उसको खींचूं और कितना शॉर्ट करूं उसको करते करते भी मैं 10:30 बजा दिया। प्रशासन वालों ने साथ दिया, बहुत साथ दिया, मैं इनका बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ और धन्यवाद इनको पेश करता हूँ कि इन्होंने दीन के और धर्म के इस काम में हमारा साथ दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हें भी इसका पुण्य दे और पुण्य का मतलब यह है कि तुम्हें भी सच्ची समझ दे और पुण्य का मतलब यह है कि तुम्हें भी धर्म और दीन को समझने की प्रेरणा दे और सारे धर्मों से और सारे मजहबों से प्यार करने की और प्रेम करने की प्रेरणा दे और इस्लाम को समझने की प्रेरणा दे। और आपसे गुजारिश है कि नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात को सुनने के बाद आप यहां से जा रहे हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर एक इंकलाब पैदा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाए। फिर जलसे के आदाब को आपने मलहूज नहीं रखा कल की तरह। मैंने कहा जब तक दुआया कलमात ना हो जाए करें उठा मत करो। मेरे भाइयों बहुत गलत बात है, ये जलसे के आदाब के खिलाफ है। बैठिए, कुछ ऐलानात होंगे और फिर दुआ के बाद जलसे के इख्तिताम का ऐलान होगा, उसके बाद आप जाइए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।